नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आजकल के जमाने में हमारे पास क्या कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, मीलों दूर किसी से बात करना हो तो मोबाइल फोन बस कुछ ही सेकंड में बात हो जाती है। बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लेकिन इन सभी सुविधाओं और विकास के साथ साथ हमारे गाँव के जो सुंदरता है, जो सादगी है, वो भी गायब होते चला जा रहा है। हमें इन सुविधाओं और विकास के साथ साथ इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे गांव के जो सुंदरता है, जो सादगी है, इसे भी साथ में बचाए रखना चाहिए गायब होने से, वरना एक दिन ये सुंदरता और सादगी एक कहानी बनकर रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को एक ऐसी गांव ले चलते हैं जहां में ना बिजली की सुविधा है ना मोबाइल नेटवर्क का। दोस्तों हम निकल चुके हैं गांव की और हमारे कुछ सीनियर्स के साथ, और रास्ते में एक बूढ़ी माँ मिला है, आप देख सकते हैं। तो चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। Adik kalau ngono si ngono Pak Ajeng mbak ngono so so anyo namping mesti itri no hukunya bua ngu tadar lah tadar oh tadar nyoping tak tolok nyoping tak tolok ngerti tadar wah ale ini tadar ini nal dela तो ये थी बूढ़ी माँ जो इतना एज होते हुए भी अभी तक काम कर रही है। मेरे ख्याल से तो 80-90 साल का हो गया होगा और इनका भाषा इतना समझ में नहीं आया हमको, फिर भी अच्छा लगा मिलके। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रास्ता भी बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, तो बढ़ते हैं। तो ये कुछ हमारे दोस्त हैं, हमारे कुछ सीनियर्स भी हैं और भाव भी बहुत दुख रहा है, तो क्या करें, चलना तो पड़ेगा। फाइनली एक पानी तो मिला, बहुत फ्रेश लग रहा है, फ्रेश वाटर। वैसे पानी तो हम लेके आए थे, तो पानी यहाँ से नहीं पियेंगे हम, बोतल में लेके आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म हो रहा है। तो दोस्तों बहुत ही थक गए हैं चल चल के, अभी और भी चलना है। मेरे ख्याल से अभी 20% ही गया है रास्ता, और भी 80% जाना है। जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा तब तक हमको चलते रहना, तो प्लीज आप भी बने रहिएगा वीडियो में। पहुंच गया क्या? तो और एक पहाड़ बचा है। बाप रे, वाओ, ये गेट देखिए दोस्तों, कितना इनोवेटिव आइडिया लगा के बनाया है। टेक्निक आप देखिए, रस्सी ऊपर घास में बांध के रखा है, ये खुलेगा उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वो घास से खींच रहा है। किसने बनाया होगा,
अच्छा आइडिया है, पता नहीं कैसा होगा वो गांव, देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो चलते हैं। तो दोस्तों रास्ते में चलने का जो वीडियो है मैंने उतना नहीं डाला है, बहुत कम डाला है, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो एक घर दिखाई दे रहा है फाइनली, आई होप कि वो वाला गांव हो जहां पे हम जाने वाले हैं। तो बहुत ही थक गए हैं मेरे दोस्त लोग भी, आप देख सकते हैं इसका चलने का स्टाइल, आप देखिए। तो ये लोग बोल रहा है कि गांव यही है, तो फाइनली पहुंच ही गए हैं। और जिस घर में हम जाने वाले हैं वो वाला घर थोड़ा ऊपर में है, ऊपर जाना पड़ेगा तो चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए एक्साइटेड हैं घर में जाने के लिए, कौन कौन है देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक घर है, ये घर जो बस्ती का गांव का फर्स्ट घर है शायद, जो हमें दिखाई दिया है। तो ऊपर में भी तीन चार घर है जो बहुत दूर, बहुत ही दूर दूर में है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं, वो रहा घर जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो बहुत ही थक गए हैं, अभी लेटने का मन कर रहा है, तो यहाँ से सीधा जाएंगे घर में, वो घर के ऊपर, और आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। वो ऊपर में भी एक दो तीन चार छः सात घर होंगे शायद, चलिए ऊपर जाके देखते हैं कितना घर है। पत्थर ही पत्थर है चारों तरफ, बहुत सारा पत्थर। चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं ऊपर जाके, थक गया बहुत। तो ऊपर उठने के लिए एक ही सीढ़ी है शायद, हमारे गांव में दो होता है, एक मेन का होता है एक वोमेन का होता है। आना सी हुआ तो एक आने है और एक अबू है, तो ये दोनों है घर मालिक, ये है अबू घर मालिक, कुछ बना रहा है, रस्सी बना रहे शायद। तो दोस्तों फाइनली हम ये बस्ती में पहुंच गए हैं, ये बस्ती का नाम है गुराहपा, जो कि बहुत ही दूर है, बहुत ही इंटीरियर जगह में है। तो बहुत ही थक गए हम सब, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो ये है घर देख सकते हैं। तो ये है हमारे मकत, एक्चुअली हम इनके साथ आए हैं। तो ये है बस्ती का राज और औरक, जो हम गालों में बोलते हैं, पता नहीं निसी में क्या बोलते होंगे। तो ये अबो कुछ बना रहा है, अबो क्या बना रहा है? नारा बनाएगा, नारा रस्सी आई। तो ये अन्न हम लोगों के लिए अपोंग बना दे रहा है, जो बस्ती का होता है, बहुत ही साफ और प्योर होता है मरुआ, ये मरुआ रेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। म्याव म्याव। ये देखिए बचपन का याद दिला दिया, इसे हम दोपा कहते हैं, जहाँ में घावरी दाना हम देते हैं, तो बहुत बचपन का याद आ गया है। और ये है जहाँ पे हम घावरी दाना पकाते हैं, इसे हम दोदू कहते हैं, पता नहीं आप लोग का भाषा में क्या कहते होंगे। चलिए खोल के देखते हैं, ये रहा खाली है, बस थोड़ा सा ही बचा है। तो यहाँ में हम घावरी दाना पकाते हैं और देते हैं, बाद में खिलाते हैं। तो ये बस्ती का कुछ आने शायद जंगल जाके आए, झाड़ू काट के लाए। आने हुगु हुगु है। पता नहीं क्या बोल रहा है यार।
तो दोस्तों ये देखिए, ये वाला बहुत ही खास है। एक्चुअली ये बस्ती में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये सोलर प्लेट यूज़ करते हैं लाइट के लिए। ये देखिए दोस्तों, हर एक घर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, आना का पानी गर्म हो चुका है और अभी रेडी कर रहा है, बनाने जा रहे हैं आप हम लोगों के लिए। तो जो बस्ती का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है, और जो टाउन में जो दारू मिलता है, मतलब मैं इतना भी पीता नहीं हूँ, फिर भी मुझे आइडिया है कि बस्ती का वाला बहुत ही प्योर होता है, अच्छा होता है और साफ भी होता है। तो आने का जो बनाने का तरीका है, हम लोगों का जैसा ही है, गालों का जैसा ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो दोस्तों, हम सब बस्ती में पहुंच गए हैं और खाना भी अभी हम लोगों के लिए आपोंग बना दे रहा है, जो बहुत प्योर होता है, जो बस्ती का होता है, और खाना भी बना दे रहा है। तो अभी हम खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, और आगे का वीडियो देखने के लिए प्लीज बने रहेगा मेरा यूट्यूब चैनल में। आगे का वीडियो फिर आने वाला है, तो वो ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा। तो देखते रहिए टोकेनोम क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल।